नमस्कार, जय माता दी सबको। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रोबानी में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आज बात करेंगे कर्जा मुक्ति की। हमें बहुत से कमेंट्स में ये आए हैं कि हमें कर्जा मुक्ति के ऊपर कोई खास कोई महा उपाय बताइए जिससे कि हमारा कर्जा उतर जाए। तो आज आपको महा उपाय बताने वाले हैं जिससे कि बड़े से बड़ा कर्जा 50 लाख तक का भी कर्जा आपका उतर जाएगा। बड़े से बड़ा कर्जा हो, बहुत देरी से चलता आ रहा कर्जा हो जो आपका उतर नहीं रहा है बहुत कोशिशों के बावजूद भी, तो आपने ये उपाय करना है। आज के समय में हमारी परिस्थितियां ही ऐसी बन चुकी हैं कि हमें कर्जा लेना ही पड़ जाता है। अगर आपकी कमाई के साधन बहुत कम है और खर्चे बहुत ज्यादा हैं, आप खर्चों को जितना मर्जी कंट्रोल कर लीजिए, लेकिन कई खर्चे ऐसे हैं जिस पे हमें पैसे लगाने ही पड़ते हैं, जैसे कि अचानक से हम सबका बीमार हो जाना या अचानक से घर में ऐसी समस्या आ जाना जिसमें आपको खर्चा करना ही पड़ेगा। आप कहाँ कहाँ से बचत कर लेंगे, कहाँ कहाँ से पैसों को रोक लेंगे? पैसों को जहाँ खर्च होना है वो वहां पर तो खर्च हो ही जाएगा। तो कभी कभी ऐसी परिस्थितियों में हमें कर्जे का सहारा लेना पड़ जाता है। मजबूरी में ही सही, हमें वो सही लगता है कि हम इस सिचुएशन से बचें, लेकिन इस सिचुएशन से बचने के लिए हम आगे अपने लिए थोड़ी ज्यादा मुसीबत कर लेते हैं। ये भी ठीक है क्योंकि हमें एक सिचुएशन से बचने के लिए कर्जा लेना पड़ता है। मुसीबत तब आती है जब हम उस कर्जे को लौटा नहीं पाते हैं और वो कर्जा बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। आप किसी और से पकड़ के किसी को देंगे, आप किसी और से पकड़ के किसी को देंगे, जिससे कि आपका कर्जा बढ़ता रहेगा। तो ये आपसे एक रूप से आपको मानसिक परेशानी दे सकता है। तो घर का माहौल खराब हो सकता है, आपको मानसिक परेशानी हो सकती है कि आपका कर्जा क्यों नहीं उतर रहा, अपनी लाइफस्टाइल अच्छे से नहीं जी पाएंगे, धन एकत्रित नहीं हो पाएगा, धन की बचत नहीं हो पाएगी, धन अच्छे से जमा नहीं हो पाएगा। बात करते हैं कि आपने, अगर आपके ऊपर बहुत कर्जा चढ़ चुका है और आप बेहद परेशान हो चुके हैं कर्जे के लिए, कर्जे को उतारे कैसे, तो एक उपाय आपने करना है। जब बहुत मेहनत करने के बावजूद भी, हाथ पैर मारने के बावजूद भी आपका कर्जा नहीं उतर रहा है, तो एक बार ये उपाय भी कर देख लीजिए। जहां आपने इतनी मेहनत की है, इतने हाथ पैर मारे हैं, वहां पर ये एक उपाय विश्वास के साथ करके देखिए और आपको इसका रिजल्ट मात्र 15 दिनों के अंदर अंदर देखने को मिलेगा। 15 दिनों के अंदर अंदर आप देखेंगे कि आपका कर्जा अब उतरने लगा है और आप कर्जे से राहत पाने लगेंगे। ये उपाय बहुत प्राचीन समय से चलता आ रहा अब तक का सबसे बड़ा महा उपाय, सबसे बड़ा महा प्रभावशाली उपाय है कर्जा रहित के लिए। अगर आप कर्जा उतारना चाहते हैं अपने सर से, बताते हैं आपने क्या उपाय करना है। इस उपाय में आपने ये उपाय 3 मंगलवार करना है। ये हनुमान जी से जुड़ा हुआ उपाय है। ये आपने 3 मंगलवार श्रद्धा पूर्वक विश्वास के साथ करना है। सुबह के समय स्नान करने के बाद आपने क्या करना है, आपने एक सूखा नारियल लेना है। ये सारी चीजें जो है आपने मंदिर में जाके करनी है। आपको बताते हैं पूरे तरीके से आपने क्या करना है। मंगलवार करना है, 3 मंगलवार स्नान करने के बाद आपने एक सूखा नारियल, चमेली का तेल और एक सिंदूर की डब्बी, ये तीनों चीजें हनुमान मंदिर में ले जानी है। वहां पर बैठकर आपने एक सूखा नारियल के ऊपर चमेली का तेल पूरे नारियल के ऊपर लगा देना है और उसके बाद लाल सिंदूर से नारियल के ऊपर बीचों बीच स्वास्तिका बना देनी है। और इसके बाद आपने गुड़ और चना, जो कि मंदिर के बाहर में आसानी से मिल सकते हैं, वहां से प्रसाद ले लेना है गुड़ और चने का। तो ये सारी चीजें आपने हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर देनी है और उनसे प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन से कर्जा उतर जाए, मुझे कर्जा रहित कर दीजिए, मैं इस कर्जे से बेहद परेशान हूँ, मुझे कर्जे से छुटकारा दिलवा दीजिए। जितना बड़े से बड़ा कर्जा हो, जितना लंबे समय से चलता आ रहा कर्जा हो, यकीन मानिए आपका कर्जा उतर जाएगा। और ये चढ़ाने के बाद आपने खास काम करना है, जब आप ये चढ़ा लेंगे, प्रार्थना कर लेंगे, उसके बाद मंदिर में किसी जगह पर बैठकर, हनुमान जी के मंदिर में या हनुमान जी के समक्ष बैठकर आपने ऋण मोचन मंगल स्त्रोत्र का पाठ करना है। मंगलवार के मंगलवार, 3 मंगलवार ऋण
मोचन मंगल स्त्रोत्र का पाठ करना है, ऐसा ही आपने दूसरे मंगलवार और ऐसे ही सेम उपाय आपने तीसरे मंगलवार करना है। ये उपाय लगातार 3 मंगलवार तक करना है और आप देखेंगे कैसे 15 दिनों के अंदर अंदर आपका सारा का सारा कर्जा उतरने लगेगा, आपको कर्जे से राहत दिखेगी, आप शांति महसूस करें कि हाँ अब मेरा कर्जा उतरने लगा है, अब मेरे जीवन का भार हटा है, अब मेरी कुछ कमाई बढ़ी है, अब मेरी सेविंग्स होगी और आपके घर में धन की वर्षा भी जरूर होगी। ये ऐसा उपाय है जो आपके जीवन में धन की बरकत भी करेगा, तरक्की की बरकत भी करेगा और कर्जा तो आपका दूर होगा ही होगा। तो उपाय बेहद प्रभावशाली है, इसे आपने 3 मंगलवार विश्वास से श्रद्धा के साथ जरूर करना है। ये उपाय अपना असर जरूर दिखाएगा, इस उपाय से बेहद बेहद खुशी मिलेगी आपको, क्योंकि आपका सारा का सारा कर्जा अब उतरने वाला है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, इसे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।